कक्षा 9th और कक्षा 10th में छात्रों की संख्या क्रमशः 42 और 45 है, यानी कि ये 9th क्लास है और ये है 10th। इसमें छात्रों की संख्या कितनी है? 42, और इसमें है 45। फिर बोला कि कक्षा 9th और 10th में लड़कों और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात, यानी कि 9th में बॉयज और गर्ल्स, इनकी रेशियो कितनी है? 9:5, और 10th में ये रेशियो है 8:7, तो टोटल कितनी है? 14:1, और बच्चे थे 42, यानी कि एक रेशियो किसके बराबर है? 14:42, तो 9:1 कितनी हो जाएगी? 9 * 3 = 27, तो 27 लड़के हैं और 5 * 3 = 15, 15 लड़कियां हैं। ऐसे ही यहाँ पर है 8 और 7 = 15, रेशियो है 15 और बच्चे थे 45, तो एक रेशियो किसके बराबर है? 3 के, तो 8 * 3 = 24, यानी कि 24 तो लड़के हैं और 3 * 7 = 21, और 21 लड़कियां हैं। पूछा क्या है? दोनों कक्षाओं में मिलाकर लड़कों की कुल संख्या और लड़कियों की कुल संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं दोनों क्लास में लड़के कितने हैं। 27 यहाँ पर है, 24 यहाँ पर है, कितने हो जाएंगे ये? 51। फिर निकालते हैं लड़कियाँ, 15 यहाँ पर है, 21 यहाँ पर है, तो ये हो जाएंगी 36। अब इनका हमें रेशियो निकालना है, नहीं अंतर निकालना था, तो ये हो जाएगा 11 में से 6 माइनस करेंगे 5, 4 में से 3 गया तो 1, तो 15 इनका अंतर हो जाएगा, ऑप्शन 4।